मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नम, ओम श्री कुल देवताय नम, ओम श्री गुरुदेवताय नम, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं वो कड़ाप्पा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविक कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 29 सितंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु वर्षा, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल पक्ष है। दोपहर 3:28 के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, तिथि आज की पूर्णिमा तिथि है। दोपहर 3:28 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। रात 11:18 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वृद्धि योग है। रात 8:03 के बाद ध्रुव योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। दोपहर 3:28 के बाद पालव करण शुरू होगा और रात देर 1:52 के बाद कौलोकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो कन्या राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:30 पर होगा और निगमन जो है दोस्तों शाम को 6:28 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ेंगे। इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेना और यह संकल्प बोलना शुरू करना है दोस्तों। हरोम शिव शिव शंभो राज्ञा, प्रवर्त मानस अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी वर्षा ऋतु भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार भास्रे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रे वृद्धि योगे बहुकरणे पूर्णिमा शुभ तिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिषे एवं इष्टलिंग पूजा करिषे। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 3:28 तक है। इसके बाद आपको अगर कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आपको ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेना होगा दोस्तों, तब जाकर आपका संकल्प पूरा होगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों, आप इस भाद्रपद मास में महाप्रलय महालय क्षमा करें महालय जो शुरू हो रहा है, हमारे पितरों का श्राद्ध पर्व, इसके दौरान कोई भी मुहूर्त शुभ कर्म के लिए नहीं है दोस्तों। और ऐसे समय में दोस्तों
अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों, लाभ उठा पाओगे। दोस्तों अब पंचांग में दिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम देखेंगे। दोस्तों पंचांग शुभ दिन उत्तम दिन है। दिन विशेष दोस्तों महालय पर्व शुरू हो चुका है। प्रतिपदा श्राद्ध जो है पहले तिथि का वो आज के दिन होगा दोस्तों, अपराह्न काल में होगा अपने घर पर पिंडदान युक्त पंडित के माध्यम से। दोस्तों पूर्णिमा श्राद्ध अगर आप के लिए है कोई किसी पूर्वज के लिए आपके, तो अक्टूबर तारीख 2, 4, 6, 11 और 14 इनमें से किसी भी एक तारीख पर आप अवश्य करें दोस्तों विधि विधान से। अग्नि धरती पर दोस्तों दोपहर 3:28 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। आप रेगुलर है वो कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना है तो आपको वो इस समय के बाद करना होगा दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। कृपया इस काल में अगर आपको कोई नया काम अगर शुरू करना है तो वो आप ना करें दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलना मुश्किल होता है राहु काल की वजह से। तो और कोई समय में आप उसे पूरा करें दोस्तों, ताकि आप उसमें सफल हो जाए दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महादेवा।